देख रहे हैं लाइव 24 में बड़ी सच एक तस्वीर पर। दिल्ली में हुए दंगे की सबसे बड़ी सच आई सामने। ऐसे में बताते चलें कि जहां किसान अन्नदाता जो सड़कों पर है लगातार 2 महीने से कर रहे हैं प्रोटेस्ट, 106 व्यक्ति की हुई मौत, आखिर अब तक सरकार ने नहीं ली ठोस कदम। मगर अफसोस की बात है, ऐसे में दीप सिद्धू नाम का एक व्यक्ति जो बीजेपी से लगता ताल्लुकात और सांसद सनी देओल से भी रखने वाले ताल्लुकात भाजपाई गुंडे दिखे खुलेआम। दीप सिद्धू वो एक ऐसी शख्सियत है जो लाल किला के ऊपर धार्मिक झंडा को लगाकर एक दंगा भड़काने का सबसे बड़ा तांडव रचाया। क्या ये वो किसान थे? क्या ये वो अन्नदाता थे? भले ही जी न्यूज में मुगलों को लेकर कई चीज़ों को लेकर दिखाया जा रहा सुधीर चौधरी द्वारा कई चीज़ों को भड़काने की एक नीति चलाई जा रही है, इसलिए मीडिया में अन्नदाताओं के लिए कोई ऐसा सवाल नहीं खड़ा होता। मगर वैसे में भड़काओ जो लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं, मगर उनके खिलाफ अब तक ठोस कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है। सिद्धू दीप सिद्धू वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आतंकवादी से ताल्लुकात रखता है, ऐसे में उन पर प्रशासन द्वारा नहीं लगाई गई लगाम यानी कि अब तक नहीं की गई कार्रवाई यानी बीजेपी से ताल्लुकात रखने वाले व्यक्तियों को किस तरह से दी जाती है संरक्षण। बड़ा सवाल है कि आखिर पूरे इस गेम के पीछे कितनी बड़ी राज है। जानना चाहिए कि आखिर किसान अन्नदाता जिन्होंने प्रोटेस्ट करने का लिया फैसला, आज उन्हीं को इस देश में पुलिस के डंडे एवं सरकार की धुतकार से पीछे हटनी पड़ रही है। आखिर ये देश किससे चलता है? ये वही अन्नदाता हैं जो हमें रोज अनाज खेत खलियान सब दिखाते हैं, मगर अफसोस है कि आज सरकार के उस पहलू पर अन्नदाता खड़े हैं जिन पर सवालों के घेरे में है, मगर सरकार अब भी टस से मस नहीं होने को है। क्या उन सरकार से सवाल नहीं पूछनी चाहिए? भले ही चाहे वो जवान हो या दिल्ली पुलिस के लोग हों, आखिर वो भी अन्नदाता का बेटा है। मगर अफसोस है कि उन पर लाठियां बरसाई गई, उन पर टॉर्चर किया गया। क्या ये किस देश में शांतिपूर्वक मार्च करने वालों पर भी लाठी बरसाया जाता है? ये देश के लिए सबसे बड़ी शर्मसार करने वाली वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, मगर अन्नदाताओं ने वही भाजपा के गुंडे जो लाल किला में घुसकर जवानों को भी खगेड़ने का काम किया, क्या ये भाजपाई गुंडे नहीं थे? दीप सिद्धू वो एक ऐसे इंसान है जो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाते हैं। आखिर सबसे बड़ी सच जानिए आप भी जानकर हैरान होंगे कि आखिर क्या देश में चल रहा है। देश में ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या कठोर कदम उठाने की जरूरत है या नहीं? मगर जनता अब भी सवालों के घेरे में है, प्रशासन घेरे में है, मगर शांतिपूर्वक मार्च करने वालों पर उन खालिस्तीन बताया जाता है, खालिस्तीन आतंकवादी बताया जाता है। क्या देश के लिए यही होता है देश हित? किसान अन्नदाता है सड़कों पर बड़ी कहानी।